हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उन्नति एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। 2020 में हम आ चुके हैं, तो यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे 1 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। सो दोस्तों, चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक करें इसको, और अपने उन फ्रेंड को शेयर करें जो ऑलरेडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आज का हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है, वो है यहाँ पर भारतीय थल सेना के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन दिए हुए, यहाँ पर बिपिन रावत, देशवाल, सबरवाल जी और मनोज मुकुंद जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप कमेंट में आंसर बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। फर्स्ट बिपिन रावत, दूसरा देशवाल जी, तीसरा आपका सबरवाल जी, और फोर्थ आपको यहाँ पर मनोज मुकुंद जी। ठीक है, सो उसका राइट आंसर है वो होगा आपको यहाँ पर मनोज मुकुंद जी। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अब बात करें, यहाँ पे हाल ही में यानी कि 31 दिसंबर को बिपिन रावत जी को यहाँ पर थल सेना के प्रमुख से इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, इनका कार्यकाल पूरा हुआ है यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर अपना सेवानिवृत्त हुए ये। तो इसके बाद यहाँ पर मनोज मुकुंद जी हैं, इनको यहाँ पर क्या बनाया गया, थल सेना का प्रमुख बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत ने कार्यभार संभाला किसका, यहाँ पर बिपिन रावत ने किसका कार्यभार संभाला, यहाँ पर आपका CDS का कार्यभार संभाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो जनरल मनोज मुकुंद है आपके यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर क्या बने हैं, थल सेना के प्रमुख बने हैं। अब बात करें यहाँ पर कि जनरल बिपिन रावत जो हैं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। 30 वर्ष की सेवा काल में लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने यानी कि मुकुंद नरवाने ने विभिन्न कमांड में कार्य किया है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्पेशल राष्ट्रीय राइफल बटालियन में भी कार्य किया है। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर भारतीय जल थल सेना के जो प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, आपके यहाँ पर बिपिन रावत जी बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन व वृक्ष आवरण है। ऑप्शन के बने आपको यहाँ पर 21.67%, 22.47%, 23.74%, 24.56%। ठीक है, सो हाल ही में यहाँ पर वन रिपोर्ट की जो 2019 की रिपोर्ट आई है, इसके अंतर्गत यहाँ पर कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आप बताएं मुझे कमेंट करके ए बी सी या फिर डी। दोस्तों बात करें यहाँ पर हाल ही में कि जो रिपोर्ट आई है वहाँ पर देश में 5188 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो एक पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पर कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, 5188 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब इसमें से 1100 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र वो है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वो है जहाँ पर घने जो वन है उनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब बात करें इनकी कि जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% जो भाग है यहाँ पर, तो उसको ये कवर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट अपन बात करें यहाँ पे 24.56 जो प्रतिशत है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो हमारे कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो 30 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 इनके द्वारा जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में वृद्धि के मामले में आंध्र प्रदेश और केरल जो राज्य है वो आपके सबसे ऊपर हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और केरल के बाद जो है आपका यहाँ पे कर्नाटक सबसे ऊपर, मतलब फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे केरल और थर्ड नंबर पे जो है हमारे कर्नाटक का नाम है। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में भारत में वन व वृक्ष आवरण में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऑप्शन गिवन आपको यहाँ पर 4577, 4866, 5188 वर्ग किलोमीटर और 544 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 5188 किलोमीटर। ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक लक्ष्य सूचकांक के द्वितीय संस्करण में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र
और आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो जो दोस्त बात करें यहाँ पर, जो नीति आयोग है यानी कि इसका फुल फॉर्म है, आप मैं बता देता हूँ उसको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, इसको योजना आयोग को समाप्त करके इसको बनाया गया था। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएं कि नीति आयोग जो है वो किस वर्ष आपके बनाया गया है, ठीक है। सो दोस्तों बात करें यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे जो केरल राज्य है उसने यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पर इसकी जो रिपोर्ट आती है SDG सूचकांक, यानी कि आपका सतत विकास सूचकांक है ये, ठीक है। तो इसको नीति आयोग जारी करता है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो केरल का नाम फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु, देन आफ्टर देन आपका फिफ्थ नंबर पर जो है वो आपका यहाँ पर तेलंगाना, ठीक है। अब केरल ने 70 के स्कोर के साथ समग्र SDG सूचकांक में पहली रैंकिंग हासिल की है, और इसकी जानकारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत इंडेक्स के दूसरे संस्करण में मिली है, ठीक है। सो याद रखना है आपको यहाँ पर, इसका राइट आंसर जो है वो है आपको यहाँ पर केरल। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, किस केंद्रीय मंत्रालय ने संतुष्ट नामक वेब पोर्टल आरंभ करने की घोषणा की है? आपको यहाँ ऑप्शन गिवन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय श्रम मंत्रालय। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा इसका। एग्जैक्ट इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर, जो संतुष्ट नामक वेब पोर्टल है इसका क्या उद्देश्य है? आपने जनरली देखा होगा कि पोर्टल सरकार बनाती है या फिर कोई ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पर जो पर्सन है जो अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है या फिर उससे संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में जाता है, तो उसका वहाँ पर निराकरण नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर श्रम मंत्रालय की जो पहल है कि श्रम मंत्रालय अगले महीने फरवरी से संतुष्ट वेब पोर्टल शुरू करेगा। अब ये पोर्टल जो कामगार हैं यानी कि जो श्रमिक लोग हैं, नियोक्ता हैं, तो उनकी शिकायतों का यहाँ पर क्या करेगा, त्वरित निवारण करेगा। जनरली आपने देखा होगा कई सारे हमारे यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनकी पेंशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनको जो आर्थिक सुविधाएं मिल रही हैं उनको टाइम पर नहीं मिल पाती, या फिर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का जो पार्ट रहता है, तो इस कारण से कई सारी जो समस्याएं हैं और इनकी जो शिकायतें हैं वो कैसी रहती हैं, पेंडिंग रहती हैं आपकी, तो उनके निवारण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इस पोर्टल को शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, ये हमारे आपके कौन है यहाँ पर, ये श्रम मंत्रालय में ये श्रम मंत्री जी हैं, ठीक है। दोस्तों आपको कमेंट बताना है कि श्रम मंत्रालय में अभी जो मंत्री हैं यानी कि श्रम मंत्री जी हैं वो कौन है। इनकी फ़ोटो है, आपने काफ़ी देखा होगा, कई बार न्यूज़ में आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रेल मंत्रालय ने नई तकनीक का प्रारंभ किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर, दिशा दृष्टि, दृष्टि का सफ़र, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर यात्री सूचना प्रणाली, और फोर्थ जो ऑप्शन है आपका यात्री का सफ़र, ठीक है। सो दोस्तों हाल ही में रेल मंत्रालय ने जो नई तकनीक का प्रारंभ किया है उसका नाम है आपका यात्री सूचना प्रणाली, ठीक है। बात कर देते हैं यहाँ पे कि भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन के अनकापल्ले रेलवे स्टेशन में यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की है, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, विजयवाड़ा डिवीजन में की गई है। अब इसमें एक ग्लास डिस्प्ले बोर्ड शामिल है जो स्टेशन पर विभिन्न ट्रेन समय की स्थिति की एक झलक देता है, और इसमें यहाँ पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड भी शामिल है जो ट्रेन के कोच कंपोजिशन की भी स्थिति प्रदान करेगा, ठीक है। जनरली इसका जो पार्ट है, आपने देखा होगा कि कोई ट्रेन लेट है या फिर किसी भी समय पर 1 घंटे 2 घंटे या फिर डिले चल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर यात्रियों के जो परिजन होते हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना होता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये काफ़ी मददगार होगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पर, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर, दिल्ली में, मुंबई में, आगरा में और बेंगलोर में, ठीक है। सो जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है वो किया गया आपके यहाँ पर बेंगलुरु में, ठीक है। सो बेंगलुरु में जो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर 3 जनवरी और 3 से 7 जनवरी तक आपका 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी की जाएगी।
और इसका जो उद्घाटन है वो हर साल की तरह देश के प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तकरीबन 15,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। ठीक है, और प्राइड ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में 130 से अधिक प्रतिभागी प्रौद्योगिकी मशीनरी उपकरण और विज्ञान मॉडल भी यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। सो ये आपका जो लॉन्च किया जाएगा, मतलब भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, आपको यहाँ पर 3 से 7 जनवरी में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, सो आप याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं हम, 8 मार्च 2020 में अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर, इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हाल ही में अरुण जेटली जी का देहांत हुआ है। 8 मार्च 2020 में अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, आगरा और बेंगलुरु। ठीक है, सो दोस्तों बात करें यहाँ पर, 2019 में ही यहाँ पर अरुण जेटली जी का स्वर्गवास हुआ था, तो उनकी मेमोरी में यहाँ पर सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर प्रति वर्ष, है ना, अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करूँ कि प्रति वर्ष 20 मार्च को, अब ये डेट फिक्स है यहाँ पर कि 20 मार्च को यहाँ पर अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर अरुण जेटली मेमोरी लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। और जो पहला इसमें जो लेक्चर होगा वो होगा आपके यहाँ पर दिल्ली में, कहाँ पर होगा आपका ये, दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अरुण जेटली जी को, टैक्स की सुधार के रूप में इनका काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, जीएसटी का जो पार्ट है भारत में लागू कराने में इन्हीं का श्रेय जाता है। ठीक है, अब 2014 से लेकर 2019 तक भारत सरकार के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखें यहाँ पर, अरुण जेटली जो है वो देश में देश के वित्त मंत्री के रूप में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। ठीक है, सो आप इसको भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं, रिसेंट में मैं बात करें यहाँ पर कि हाल ही में सरकार के द्वारा कितनी नई पनडुब्बी बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर 24, 26, 27 और 28। ठीक है, सो दोस्तों जो देश में कई पनडुब्बियाँ ऐसी थी जो अप्रॉक्सीमेट 25 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, तो सरकार ने अब घोषणा की है कि नई पनडुब्बियों को विकसित किया जाएगा, तो इनकी जो संख्या है वो है अभी सरकार ने घोषित किया यहाँ पर 24। ठीक है, सो यहाँ पर 24 पनडुब्बियाँ बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर जो पनडुब्बियाँ हैं, कुछ बात करें यहाँ पर कि वर्तमान में इसके बेड़े में 15 पारंपरिक पनडुब्बी और 2 परमाणु पनडुब्बियाँ हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु पनडुब्बी अभी वर्तमान में है, जिसमें से एक कौन है आपकी यहाँ पर INS अरिहंत, और एक रूस के द्वारा लीज पर ली गई है और जिसका नाम है आपका यहाँ पे क्या, INS चक्र। ठीक है, और बात करें जैसे ने बताया अधिकांश पारंपरिक पनडुब्बियाँ जो हैं 25 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हम, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन गिवन आपको यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसका जो आयोजन है आपका 27 से लेकर 31 दिसंबर के दौरान किया गया है, और ये कहाँ किया गया आपका यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक है, सो इसको याद रखें यहाँ पर। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम बात करेंगे यहाँ पे अब 2 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। सो तो आप चैनल पे लगातार अपनी प्रेजेंस बना कर रखें और कमेंट में भी करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में, इवन पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी भी टाइप्स की अगर प्रॉब्लम है आपको किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप आसानी से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल स्टूडेंट। थैंक यू।